हल्द्वानी के ताज चौराहे पर सीए के विरोध में आज तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। धारा 140 लगाए जाने के बाद भी महिलाओं का यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं काठगोदाम और बनभूलपुरा में भी धरने की तैयारी चल रही है। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली तो धारा 140 लगा दी गई। ये निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट ने शांति व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए दिए हैं। प्रशासन लगातार धरने पर बैठी महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहा है और आज हर हाल में प्रशासन धरना समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो न सिर्फ हल्द्वानी में बल्कि देहरादून में और रुड़की में भी इस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन हल्द्वानी में अब ये जो धरना है वो और ज्यादा तूल पकड़ता चला जा रहा है। तीसरा दिन इस धरने प्रदर्शन का सीएए और एनआरसी को लेकर जहां पर कई मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और प्रयास लगातार पुलिस का यहां पर ये कि महिलाओं को समझा बुझा लिया जाए, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं। और आज इसी कड़ी में एक बार फिर से कोशिश प्रशासन के जरिए यहां पर रहने वाली है। 144 धारा लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ये भी बता दें कि काठगोदाम और बनभूलपुरा में भी धरने की तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली धारा 144 लगा दी गई और शांति व्यवस्था के मद्देनजर फिलहाल पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट है।